एंड जय भीम, वेलकम टू एडिटोरियल क्लास। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मनीष, प्रगति, सम्यक, ऋतुजा, जिया, प्रज्ञा, बॉबी, क्षितिज, पल्लवी, हर्ष, आप सबको मेरा जय भीम एंड गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे एक इंटरनेशनल इशू के बारे में। कैरेबियन आइलैंड्स में वन ऑफ द हाँ ठीक है, कोविक आज अभी बताता, मैं आज पक्का बताता हूँ। ठीक है, हर्ष बेचारा बहुत दिनों से बोल रहा है कोवैक्स अलायंस के बारे में। ठीक है, मैं बताता आज। ठीक, आई विल टेल। तो शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कैरेबियन सी है और वहां पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं और काफी हिस्टोरिक आइलैंड्स हैं। उनका हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंस रहा है पहले, अभी इतना नहीं है, लेकिन एक समय में दे वर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज उसकी स्टोरी है। एक छोटा सा देश है कैरेबियन आइलैंड में जिसको हम हेती बोलते हैं। तो हेती जो है वो वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उनको मार दिया गया है, उनका असैसिनेशन हुआ है। तो आज का जो एडिटोरियल है वो उसके बारे में है, मर्डर ऑफ अ प्रेसिडेंट, राइट, मर्डर ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑन असैसिनेशन ऑफ अ जोवेनल मोइस। अब इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो कुछ अलग हो सकता है, लेकिन मैं जैसे इंग्लिश में लिखा है वैसे पढ़ रहा हूँ। तो जोवेनल मोइस जो है वो हेती, एक देश है छोटा सा हेती, उसके प्रेसिडेंट रहे हैं और अभी इस वीक में उनका मर्डर हुआ है। तो ये जो वर्ड है असैसिनेशन, असैसिनेट करना, जब कोई बहुत बड़ा लीडर या कोई पब्लिक फिगर जो काफी इंपॉर्टेंट पब्लिक फिगर है, अगर उसका मर्डर होता है तो उसको हम असैसिनेट करना बोलते हैं, असैसिनेशन हो गया, है ना। तो ये जो वर्ड है असैसिनेशन, इसको इसको नोट डाउन कर लीजिए, असैसिनेशन। ठीक है, तो असैसिनेशन का मतलब होता है, द नीचे इसका मीनिंग भी दिया हुआ है, द मर्डर ऑफ समवन फेमस और इम्पॉर्टेंट। तो कोई व्यक्ति जो पॉलिटिकल लीडर होता है या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होता है, कोई फेमस व्यक्ति होता है, तो जब उसका मर्डर होता है तो हम उसको असैसिनेशन बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर इंदिरा गांधी 1984 में मारी गई थी, तो उनके ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको मारा था, तो हम बोलते हैं द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। या महात्मा गांधी का भी मर्डर हुआ था, तो द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। तो ये जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम था जोवेनल मोइस, ठीक है, इनका असैसिनेशन हुआ है। और ये क्या थे, ये हेती के प्रेसिडेंट थे। द ब्रेजन असैसिनेशन ऑफ जोवेनल मोइस, द 53-year-old प्रेसिडेंट ऑफ हेती, हैज पुश्ड द इम्पावरिस्ड कैरेबियन कंट्री बेटर्ड बाय पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस इनटू मोर केओस। ठीक है, अब ये जो असैसिनेशन हुआ है वो बहुत सरप्राइजिंग है कि किस तरीके से कुछ लोग जाते हैं प्रेसिडेंट के घर में घुसकर उनको मारते हैं। तो ये जो असैसिनेशन है ये ब्रेजन है। ब्रेजन का मतलब है कि बिना, मतलब समथिंग वेरी शॉकिंग, समथिंग वेरी सरप्राइजिंग, है जो जिसकी उम्मीद नहीं थी, है ना, कि किसी देश के राष्ट्रपति का उसके घर के अंदर जाकर मारना, ये बहुत ही ब्रेजन एक्ट है, यानी कि सरप्राइजिंग, शॉकिंग एक्ट है। तो द ब्रेजन असैसिनेशन ऑफ जोवेनल मोइस, जो कि कौन है, 53-year-old प्रेसिडेंट ऑफ हेती। ठीक है, अब इस असैसिनेशन से क्या हुआ है, इट हैज पुश्ड द इम्पावरिज्ड कैरेबियन कंट्री। अब ये हेती जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इम्पावरिज्ड का मतलब होता है पुअर, वेरी पुअर, इम्पावरिश। तो ये एक बहुत ही गरीब देश है और ये दुनिया का
सबसे गरीब देशों में से एक है। तो अब ये देश और ज्यादा आर्थिक और राजनीतिक संकट में फंसने वाला है, ठीक है। तो ये देश ऑलरेडी बहुत परेशानियों से जूझ रहा था। ये देश जो है वो एक इम्पावरिज्ड कंट्री है ना, एक बहुत ही पुअर कंट्री है, और ये कैरेबियन कंट्री है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम कैरेबियन क्यों बोलते हैं, ये सारे वर्ड ध्यान रखिएगा, है ना, कैरेबियन। तो इसको हम कैरेबियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कैरेबियन सी है, कैरेबियन समुद्र है, और वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, उनमें से हेती एक है, राइट। तो इसलिए हम इनको कैरेबियन कंट्री बोलते हैं, जैसे कि हम इंडिया को साउथ एशियन कंट्री बोलते हैं क्योंकि इंडिया साउथ एशिया में आता है। अरब जो है उसको हम गल्फ कंट्री बोलते हैं क्योंकि एक तरफ रेड सी है और दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ है, हम ये सब पढ़ चुके हैं, तो गल्फ कंट्री बोलते हैं। इंडिया को हम साउथ एशियन कंट्री बोलते हैं। तो वैसे ही कैरेबियन सी के अंदर जो भी आइलैंड्स हैं, जो भी द्वीप हैं, उनको हम कैरेबियन कंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो देश है ये एक बहुत ही इम्पावरिज्ड कंट्री है, बहुत ही गरीब देश है, विच इज बैटर्ड बाई पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये जो वर्ड है क्राइसिस, क्राइसिस संकट को बोलते हैं, तो ये क्राइसिस है, यानी कि ये प्लूरल है, बहुत सारे संकटों से ये जूझ रहा है। ये जो कंट्री है ये इट इज बैटर्ड बाई पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये ऑलरेडी ये जो देश है पिछले कई सालों से बहुत सारे आर्थिक और राजनीतिक संकटों से जूझ रहा था। अब ये संकट और ज्यादा बढ़ गया है। अब क्या हो गया है, अब इनटू मोर केओस। तो क्राइसिस जो है अब वो केओस बन गई है, ठीक है। क्राइसिस का मतलब होता है संकट, केओस का मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर, कोई कानून व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरी तरीके से बर्बाद, है ना। तो केओस का बोलते हैं कि अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर, जहां पे अब कोई कानून व्यवस्था नहीं रह गई है ना। तो इट हैज बिकम अ केओस। तो केओस का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जहां पर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। एवरीथिंग हैज कोलैप्स्ड, गवर्नमेंट का नामो निशान नहीं है, पुलिस आर्मी सब कुछ जो है वो बिखर गया है, तो केओस में है, ठीक है। यानी कि अब ये जो संकट है, क्राइसिस है, वो एक बहुत बड़े संकट में बदल गया है। तो ये जो है वो आज का जो एडिटोरियल है वो इस पर है कि वहां के जो प्रेसिडेंट थे उनका असैसिनेशन हुआ है, उनको मार दिया गया है, और वो कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो हेती के हैं। हेती क्या है, एक कैरेबियन कंट्री है, ठीक है, और वो कैसा कंट्री है, वो एक बहुत ही गरीब देश है, इम्पावरिज्ड है, ठीक है। इट इज एन इम्पावरिज्ड कंट्री, बहुत ही गरीब देश है, और ये जो देश है ये जूझ रहा था कई सारे राजनीतिक और आर्थिक संकटों से पहले से ही। अब असैसिनेशन के बाद ये संकट जो है वो केओस में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि अब ये कंप्लीट पूरा कोलैप्स कर गया है सिस्टम वहां पे, कंप्लीट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या जो वहां की कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। तो ये आपको एडिटोरियल का आज का ये मेन पॉइंट है। अब ये हेती है कहां पर, ठीक है। तो हेती के बारे में हम देखेंगे कि पहले हम वर्ल्ड मैप देखते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको हेती का थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा कि हेती इतना इम्पोर्टेंट कंट्री क्यों है। अब आप देखेंगे कि ये आपका नॉर्थ अमेरिका है और ये आपका साउथ अमेरिका है। अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये देखिए कैरेबियन लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये कैरेबियन है, सो दिस इज कैरेबियन सी, कैरेबियन का समुद्र बोलते हैं। अब यहां पर आपको ये बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे हैं, ये बहुत सारे द्वीप हैं, ये सारे के सारे जो है वो कैरेबियन आइलैंड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको कि हमारा इंडिया ये है, ठीक है। इंडिया के बाद इधर ये वेस्ट एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका और यूरोप के बाद ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है। अटलांटिक ओशन के दूसरे साइड में आपका ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, राइट। और इन दोनों के बीच में ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं,
बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि देश भी हैं, अपने आप में इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, तो वो कैरेबियन सी है, तो ये इसको हम कैरेबियन आइलैंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हेती कहाँ पर है। अब हमें कैरेबियन आइलैंड्स तो समझ में आ गया, कैरेबियन सी समझ में आ गया, अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पर है। तो अगर हम इस हिस्से को, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, इसको अगर हम बड़ा करें, है ना, तो दूसरे मैप में देखें तो ये जो दूसरा मैप है वो सिर्फ इतने हिस्से को दिखा रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको देखें तो ये है वो। अब ये बहुत सारे आइलैंड्स हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि कुछ मेजर जो आइलैंड्स हैं, अब ये क्यूबा है, क्यूबा पर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये क्यूबा है, ये सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, क्यूबा, कैरेबियन, कैरेबियन जो आइलैंड्स हैं उनमें सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो क्यूबा है। अब आप देखेंगे कि ये दूसरा यहां पर एक आइलैंड है, ये दिस इज द सेकेंड आइलैंड। ठीक है, अब ये जो आइलैंड है, आइलैंड का मतलब क्या होता है, आइलैंड जो है हम लिखते हैं आइलैंड, आइलैंड का मतलब होता है कि द्वीप, यानी कि ऐसा जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो ये अब आइलैंड है। देखिए आप, अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक आइलैंड है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, इसको देखेंगे जमैका, तो ये जमैका भी एक आइलैंड है, चारों तरफ पानी से घिरा है। अब आप क्यूबा को देखेंगे तो क्यूबा इज ऑल्सो एन आइलैंड, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर जो है क्यूबा के ऊपर अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, और क्यूबा के नीचे साउथ अमेरिका है। ठीक है, और ये पूरा जो है वो आपका दिस इज कैरेबियन सी, ये देखिए ये पूरा कैरेबियन सी है, तो ये पूरा हिस्सा जो है वो कैरेबियन सी है। ठीक है, इसके ऊपर इधर अटलांटिक ओशन है। तो अब हमारा जो हेती है वो ये रहा। अब आप देखेंगे कि एक बड़ा आइलैंड है जिसका पुराना नाम हिस्पैनियोला था। ठीक है, ये देखिए यहां पर हिस्पैनियोला लिखा हुआ है, ये एक स्पैनिश नेम है, हिस्पैनियोला। अब हिस्पैनियोला को के दो टुकड़े हुए हैं। ठीक है, एक टुकड़ा जो है वो हेती कहलाता है, ये हेती है आपका, दिस इज हेती, और दूसरा टुकड़ा जो है वो डोमिनिकन रिपब्लिक कहलाता है, डोमिनिकन रिपब्लिक। अब ये दो अलग अलग देश हैं, एक ही आइलैंड है लेकिन एक ही आइलैंड दो टुकड़े में बांटा गया है। ठीक है, एक डोमिनिकन रिपब्लिक है और दूसरा हेती है, तो आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हेती है। ठीक है, तो ये मैथ में समझ में आ गया आपको। अब कैरेबियन आइलैंड्स में आप देखेंगे कि कुछ बड़े आइलैंड्स हैं और कुछ छोटे आइलैंड्स हैं, तो आप देखेंगे कि बड़े आइलैंड्स कौन कौन से हैं। तो बड़ा आइलैंड क्यूबा है, दूसरा बड़ा आइलैंड हिस्पैनियोला है, हिस्पैनियोला के दो टुकड़े हैं, हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक। तीसरा आप देखेंगे जमैका है। ठीक है, दीज आर बिग आइलैंड्स। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं ग्रेटर एंटिलेस। बाकी इधर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, एंटीगुआ एंड बरबुडा। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप, छोटा, ये मार्टिनिक है, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, ठीक है, बारबडोस। ठीक है, ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो, आपने क्रिकेट टीम का नाम सुना होगा, वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज जो हमारे यहाँ खेलने आती है क्रिकेट टीम है, वो कोई देश नहीं है, वेस्ट इंडीज कई सारे छोटे छोटे देशों का ग्रुप है। तो वेस्ट इंडीज की जो टीम है, वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज में छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, जो अंग्रेजों के कब्जे में थे, तो जहां जहां अंग्रेजों ने कब्जा किया वहां वहां पे हम क्रिकेट खेलते हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। तो आप देखेंगे कि जितने भी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, मुश्किल से 8-10 देश हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, और ये क्रिकेट खेलने वाले कौन से देश हैं, जो अंग्रेजों के कब्जे में थे, तो इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ
जो आइलैंड्स जो अंग्रेजों के कब्जे में थे, जैसे कि जमैका, ठीक है, एंटीगुआ एंड बारबुडा, ये एंटीगुआ, ठीक है, फिर ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है, तो ये वो देश है, और ये बारबाडोस, ये वो कंट्रीज हैं जो मिलकर वेस्ट इंडीज की टीम बनाते हैं, ठीक है, तो ये लेसर एंटिलीज कहलाते हैं, ये छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है, तो ये लेसर एंटिलीज और ये ग्रेटर एंटिलीज। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये सारा, जब हम ऊपर देखिए बहामाज है, तो ये सारे जो आइलैंड्स हैं, ये जितने भी हैं, ठीक है, ये सब के सब कैरेबियन आइलैंड्स बोलते हैं, क्योंकि ये कैरेबियन सी है, तो कैरेबियन सी में ये आइलैंड्स हैं, तो इनको हम कैरेबियन आइलैंड्स बोलते हैं। अब कैरेबियन आइलैंड्स भी दो ग्रुप में डिवाइडेड हैं, एक ग्रेटर एंटिलीज और दूसरा लेसर एंटिलीज, ठीक है, तो ये दो अलग अलग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ठीक है, इसमें आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इधर ये देखिए, ये बड़े आइलैंड्स हैं कुछ, ये सैन जुआन है, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अब हमारी जो स्टोरी है, आज का जो एडिटोरियल है, वो इस देश पर है, हेती पर। हेती की राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ प्रिंस, ठीक है, पोर्ट ऑफ प्रिंस जो है वो इसकी कैपिटल है। अब ये जो हेती है, ये बेसिकली एक आइलैंड का पार्ट है, ठीक है, और वो आइलैंड क्या है? हिस्पैनियोला, ये एक स्पैनिश नेम है, और ये डिवाइडेड है हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में। अब आप देखोगे डोमिनिकन रिपब्लिक का जो कैपिटल है वो सैंटो डोमिंगो है, सैंटो डोमिंगो, और हेती का कैपिटल क्या है? पोर्ट ऑफ प्रिंस, ठीक है। अब ये तीसरा सबसे बड़ा देश है कैरेबियन आइलैंड्स में, लेकिन इसकी पॉपुलेशन काफी है, अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखें तो हेती जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है कैरेबियंस में, 1 करोड़ से ज्यादा इसकी पॉपुलेशन है। अब ये जो देश हैं, जितने भी आपको आइलैंड्स दिख रहे हैं, ये तीन देशों में डिवाइडेड थे, इन पर तीन देशों का कब्जा था। सबसे पहला कब्जा स्पेन का था, ठीक है, स्पेन ने इन पर कब्जा किया था, उसके बाद फ्रांस आया, और उसके बाद फिर इंग्लैंड आया। तो ये जितने भी आइलैंड्स हैं, ये पिछले 500 साल का अगर आप हिस्ट्री देखें, तो या तो ये स्पैनिश एम्पायर का हिस्सा थे, स्पेन का हिस्सा थे, स्पेन के लोगों ने कब्जा किया हुआ था, या फ्रेंच लोगों ने कब्जा किया हुआ था, या फिर इंग्लैंड ने कब्जा किया हुआ था। तो इसीलिए आप इनके नाम देखेंगे, और यहाँ के जो लोग भाषा बोलते हैं वो या तो फ्रेंच बोलते हैं, या स्पैनिश बोलते हैं, या इंग्लिश बोलते हैं। तो वो आइलैंड्स जो इंग्लैंड के कब्जे में थे, जैसे कि जमैका, ठीक है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है, बारबाडोस, ये इंग्लिश स्पीकिंग है। क्यूबा जो है वो स्पैनिश स्पीकिंग है, क्योंकि क्यूबा पे स्पेन का कब्जा था, और हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक में फ्रेंच बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे पहले स्पेन ने कब्जा किया था, बाद में फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था, फ्रेंच लोगों ने कब्जा किया था, ठीक है। तो इसलिए ये जो इनका जो कल्चर है वो मिक्स कल्चर है, वहां के जो लोकल हैं, इंडिजिनस लोग, वो भी हैं, और बहुत सारी मात्रा में ब्लैक लोग भी हैं, वो ब्लैक जो अफ्रीका से लेकर आए गए थे, ठीक है, तो इनका जो पॉपुलेशन है वो मिक्स है, यूरोपियन ब्लैक और जो इंडिजिनस लोग हैं, जो पहले के मूल निवासी हैं, तो एक एक मिक्स पॉपुलेशन है उनकी। तो अब ये आपको ज्योग्राफी समझ में आ गया हेती का, कि हेती कहाँ पर है। अब मैं आपको इसका थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ कि हेती इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, इसका हिस्ट्री में एक हेती की अपनी जगह है, और उसका रीजन क्या है कि अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो आपको दो शब्द जो है आपको क्लियर होना चाहिए, कॉलोनियलिज्म, है ना, कॉलोनियलिज्म। तो कॉलोनियलिज्म जो है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं उपनिवेशवाद, यानी कि एक देश जो है वो किसी दूसरी जगह जाकर उस पर कब्जा करता है,
और उसका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करता है, उसकी जो रिसोर्सेज है, उसके जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनको उनसे छीन लेता है। जैसे कि इंडिया, इंडिया जो था वो क्या था, इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी, तो लगभग हम 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम थे, ठीक है। और जो इंग्लैंड की हम कॉलोनी थे, इंग्लैंड हमारा मास्टर था, इंग्लैंड का जो पॉलिटिकल पावर है इंग्लैंड वो हम पर यूज करता था, और हमारे यहाँ से वो बहुत सारा जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वो लेकर जाता था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अब देखिए, हजारों सालों से एक राजा दूसरे राजा पर अटैक करता आया है, एक एक देश दूसरे देश पर अटैक करता आया है, उसमें कुछ नया नहीं था, है ना, हजारों सालों से चल रहा है। आपने कितने सारे राजाओं के नाम सुने जिन्होंने पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश की, उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा अपना साम्राज्य बनाया, लेकिन उनमें और जो आज से 500 साल पहले जो ये कॉलोनियलिज्म का कंसेप्ट आया, उन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर था। अंतर यह था कि पहले जब राजा राज करता था या दूसरे पर जीतता था, तो वो सिर्फ टैक्स वसूलता था वहां पर, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एक देश का राजा आया और उसने देश दूसरे देश को जीत लिया, तो वो टैक्स वसूलेगा, उसको अपने राज्य में मिला लेगा, ठीक है, और रूल करेगा। या अगर कोई बाहर से लोग आए आक्रमण करने के लिए, तो वो वहीं पर बस जाते थे, जैसे मुगल, है ना। तो मुगल जो है वो सेंट्रल एशिया से आए 1525 में और इंडिया में आकर बस गए, वो वापस नहीं गए, ठीक है, ना ही यहां से लेकर वो कोई चीज, ना ही उन्होंने ऐसी एक गवर्नमेंट बनाई कि यहां से सारा टैक्स वसूल कर वो अपने देश में जाए, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं बनाया। कॉलोनियलिज्म बहुत खास था। कॉलोनियलिज्म में क्या था कि जो 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 कॉलोनियल पावर है, जो देश जैसे कि फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, ठीक है, इंग्लैंड, तो ये कॉलोनियल पावर है, ठीक है, और ये दूसरे देश को जाकर कॉलोनाइज करते हैं, उनको अपनी कॉलोनी बना लेते हैं और वहां पे रूल करते हैं, और उसका पर्पस सिर्फ एक होता है, और वो पर्पस है कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक शोषण। तो वो क्या करते हैं इंडिया से, अब ब्रिटेन क्या करता था, ब्रिटेन इंडिया से बहुत सारा रॉ मटेरियल लेकर जाता था, कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, बहुत सारा रॉ मटेरियल लेकर जाता था और इंग्लैंड में लेकर जाता था, वहां पर वो बेचते थे, ठीक है, और फैक्ट्रीज में यूज करते थे, और फिर जो प्रोडक्ट है वो वापस इंडिया में बेचते थे। तो इंडिया से कॉटन लेकर गए और अपनी फैक्ट्री में उन्होंने कपड़े बनाए और वो कपड़े वापस हमें बेच रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया न केवल एक उनके लिए नेचुरल रिसोर्स का काम कर रहा है, बल्कि इंडिया उनके लिए एक मार्केट का भी काम कर रहा है, तो इंडिया में आकर वो वापस बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कॉलोनियलिज्म जो है वो ये है। लेकिन एक दूसरा भी प्रकार है कॉलोनियलिज्म का, जो आप इधर देखेंगे, तो इंडिया इंडिया को जो इंग्लैंड ने कॉलोनाइज किया था वो थोड़ा सा डिफरेंट था इधर इससे, कैरेबियन आइलैंड्स में। तो उसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हम पिछले 500 साल का जो उपनिवेशवाद देखते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो आपको बहुत आश्चर्य होगा शायद कि हमारा 20th सेंचुरी की शुरुआत में, यानी कि आज से 100 साल पहले, एग्जैक्टली 100 साल पहले, अगर आप देखें तो दुनिया का 9/10 भाग, यानी कि ऑलमोस्ट 90% दुनिया जो थी, 90% दुनिया, ये सिर्फ 3-4 देशों के कब्जे में थी, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, ठीक है, ये 3-4 देश थे जो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द दुनिया की जो लैंड है उस पर कब्जा था इनका। तो आप सोच सकते, आप समझ सकते हैं कि कॉलोनियलिज्म जो है वो कितना पावरफुल था, और पिछले 500 साल का ये सबसे पावरफुल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, सबसे पावरफुल राजनीतिक जो इम्पैक्ट था, और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा है। आज हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मैं आपको इंग्लिश एडिटोरियल पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्यों,
ये कैसे हुआ? अगर अंग्रेज इंडिया में नहीं आए होते तो आज हम ये सब नहीं कर रहे होते, आज हम अपनी अपनी लैंग्वेज में पढ़ रहे होते। तो आप देखिए कि कॉलोनियलिज्म का पूरी दुनिया पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है। ये पूरा जो ये यहां से लेकर यहां तक, मैक्सिको से लेकर ये पूरा जो ये है एरिया, ठीक है, इसमें से ब्राजील को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सारी कंट्रीज स्पैनिश बोलती हैं। स्पेन छोटा सा देश है, यहां पर देखिए ये स्पेन है, ठीक है, स्पेन है, लेकिन स्पैनिश भाषा बोलने वाले कितने सारे लोग हैं। इंग्लैंड छोटू सा देश है, यहां पर ये रहा इंग्लैंड, ठीक है, लेकिन आज दुनिया में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। तो आप श्रीलंका, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आपका साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, इवन अफ्रीका, और दूसरा तो आपका ये है ही है ऊपर कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स, ये इंग्लिश स्पीकिंग है, ऑस्ट्रेलिया भी इंग्लिश स्पीकिंग है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और है और इंग्लिश कहाँ की भाषा है, सिर्फ इतने लोगों की भाषा थी। तो आज से 300-400 साल पहले सिर्फ इतने लोग अंग्रेजी बोलते थे, आज 60-70% दुनिया जो है वो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो इंग्लिश स्पीकर है, लेकिन इंग्लिश यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग इंग्लिश स्पीकर नहीं है लेकिन अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं हर जगह पर, ठीक है। तो कॉलोनियलिज्म जो है वो इतना इंपॉर्टेंट रहा है पिछले 500 साल में। हमारा ड्रेस, मैं ये टी शर्ट पहने हूँ, मैं पैंट पहने हूँ, हमारे पूर्वज ये नहीं पहनते थे, ये हमने कहाँ से आया, ये अंग्रेजों से आया। हम जो खाना खाते हैं उसमें से बहुत सारा हमारा जो फूड हैबिट है, ब्रेकफास्ट का कल्चर जो है, चाय जो है, चाय पीते हैं जो, तो वो सब अंग्रेजों से हमें मिला है, ठीक है। बहुत सारी चीजें, मतलब आज अगर, अब आप जस्ट इमेजिन करिए कि आज अगर आपके पूर्वज आज आए इंडिया में, ठीक है, हमारे जो पूर्वज थे वो हमको पहचान नहीं पाएंगे, उनको लगेगा कि ये दिखने में तो भारतीय हैं लेकिन ये अंग्रेज हैं, ये हमारे हमारे बच्चे नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि इतना इतना चेंज आ चुका है। हम अपने आप को इंडियन बोलते हैं, इंडियन, इंडियन कल्चर, ये सब बात करते हैं, लेकिन इंडियन कल्चर जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी हम पूरी तरीके से मिक्स हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें हम इंडियन यूज करते हैं, बट मेजॉरिटी अगर आप देखें तो हमारा अंग्रेजी प्रभाव है, इंग्लिश कल्चर का बहुत तगड़ा प्रभाव है, ठीक है। तो ये जो सारा है वो शुरू हुआ था 1492 में, 1492 में कॉलोनियलिज्म की शुरुआत हुई थी, जब क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के एक नाविक थे, ठीक है, जो कि पानी का जहाज लेकर जाते थे, उन्होंने अमेरिका की खोज की थी, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस। अब ये कोलंबस साहब की कहानी बड़ी अजीब है, कोलंबस साहब थे इटली के, ठीक है, ये इटालियन थे लेकिन ये स्पेन के राजा और रानी के अंडर में काम करते थे। तो अब ये थे यहाँ के, इटली के, लेकिन ये काम किन के लिए करते थे, स्पेन के लिए। तो स्पेन के राजा और जो रानी थे वो उनके अंडर में काम करते थे, और यूरोप जो है, अब आप देखिए ये जो यूरोप का हिस्सा है ये सब समुद्र से लगा हुआ है, तो इनकी नेवी जो है, इनकी जो समुद्री सेना है वो हमेशा से स्ट्रांग रही है, ठीक है। अब 1492 में अगर आप वर्ल्ड को देखें तो 1492 में कैसी दुनिया थी, पहली बात तो था कि 1492 में किसी को भी इधर क्या है पता ही नहीं था, ये हिस्सा अननोन था, कंप्लीटली अननोन था, हमें पता ही नहीं था कि इधर क्या है 1492 में, ठीक है, हमें ये नहीं पता था कि इधर क्या है, ये भी कंप्लीटली अननोन था, ठीक है। और अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीच का, ये भी कंप्लीटली अननोन था, यानी कि हमें पता ही नहीं था कि यहां पर क्या है, ठीक है। और दुनिया जो है
वो हम मानते थे कि दुनिया इतनी है, यूरोप, एशिया, चाइना, रशिया और थोड़ा सा ये हिस्सा नॉर्थ अफ्रीका का ऊपर का हिस्सा, और ये जो आपके समुद्र के इलाके हैं इधर, बस इतना ही नोन था, बाकी सब अननोन था, बाकी हमें पता ही नहीं था कि क्या है दुनिया में। ठीक है, तो हमारे लिए दुनिया जो है वो इतनी थी। दिस वॉज द वर्ल्ड 1492 में। ठीक है, अब आप देखें तो यहां पर ये, अगर 1492 में देखें या उसके बाद देखें, तो यहां पर पावरफुल राजा थे, पर्शियन एम्पायर था ईरान का, ठीक है, यहां पर ऑटोमन एम्पायर था टर्की का, यहां पर चाइनीज एम्पायर था, ठीक है, पावरफुल एम्पायर थे, यहां पे रशियन एम्पायर था, ठीक है, रशियन राजा थे, और इधर इंडियन एम्पायर था। अब इंडिया में 1492 के बाद अगर आप देखें तो 1525 के करीब आपके मुगल आ जाते हैं। तो अब ये बहुत ही पावरफुल साम्राज्य थे, और यूरोप जो है वो एक बहुत ही गरीब पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था। यूरोप जो है वो 14-15 सेंचुरी में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब कोई ध्यान भी नहीं देता था उस पर। जो सुपर पावर थे उस समय के, जो 4-5 सुपर पावर हुआ करते थे, ऐसे देश जो बहुत ही पावरफुल थे, ठीक है, और पूरा व्यापार और पूरा सिविलाइजेशन उन्हीं तक सीमित था। तो ये वो देश थे, इंडिया, ईरान, टर्की का ऑटोमन एम्पायर, चाइनीज एम्पायर, रशियन एम्पायर। अब ये 4-5 जो है, रशिया भी इतना पावरफुल नहीं था, पर्शियन एम्पायर ईरान का, ठीक है, और अरब एम्पायर, हाँ सॉरी ये मैं भूल ही गया था, हाँ, तो पर्शियन एम्पायर ईरान का, ऑटोमन एम्पायर टर्की का, अरेबियन एम्पायर, इंडियन एम्पायर और चाइना चाइना, ये दीज वर द पावरफुल कंट्रीज, ठीक है, और इनकी जो लैंड पर जो सेना थी वो बहुत पावरफुल थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि ये सारे के सारे जो एम्पायर थे ये लैंड बेस्ड थे, इनकी नेवी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, अरब कंट्रीज को छोड़कर। अरब जो देश हैं वो समुद्र के किनारे हैं, तो इनका भी नेवी रिलेटिवली स्ट्रांग था, लेकिन इंडिया, चाइना, इनका नेवी नहीं था, क्योंकि ये लैंड बेस्ड एम्पायर थे। अब इनकी लाखों की सेना होती थी, लेकिन समुद्री जहाज, समुद्री लड़ाई में ये कमजोर थे, ठीक है। तो अब यूरोप को अगर व्यापार करना है लैंड बेस्ड, ठीक है, तो अगर उसको व्यापार करना है तो उसको इतने सारे राज्यों से होकर इंडिया आना है, अगर उसको चाइना जाना है व्यापार करने तो उसको इतने सारे राज्यों से होकर जाना है, ठीक है। अब ये राज्य जो है वो आपको व्यापार नहीं करने देंगे, क्योंकि ये खुद बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं। तो अरब ट्रेडर्स हैं, तो वो पूरी तरीके से मोनोपोलाइज करते थे, वो सामान इंडिया से खरीदते थे और जाके यूरोप में बेचते थे, ठीक है। तो यानी कि अगर यूरोपियन लोग व्यापार करना चाहें तो उनको अरब से लड़ना होगा, उनको ईरान से लड़ना होगा, उनको टर्की से लड़ना होगा, जो कि उनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे देश थे, इनका लैंड एम्पायर भी इतना बड़ा नहीं था, इनकी सेना भी इतनी बड़ी नहीं थी। हाँ, लेकिन एक ये बात थी कि इनकी नेवी स्ट्रांग हुआ करती थी, क्योंकि ये समुद्री देश है ना, तो नेवी इनकी स्ट्रांग थी। तो अब जो स्पेन के जो राजा हैं, ठीक है, पुर्तगाल के जो राजा हैं, पुर्तगाल के, यहाँ पे ये पुर्तगाल है, और स्पेन के जो राजा हैं, इन्होंने ये सोचा कि अगर हमें इंडिया से व्यापार करना है या हमें चाइना से व्यापार करना है तो हमें समुद्र का रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि तो हम इनसे तो नहीं लड़ सकते हैं, इनसे हम हार जाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें डायरेक्ट व्यापार करना है तो हमें समुद्र का रास्ता ढूंढना होगा। तो जो फ्रेंच, फ्रांस है, स्पेन है, खासतौर पे स्पेन और पुर्तगाल, शुरुआत में स्पेन और पुर्तगाल, इनके जो राजा थे इन्होंने अपने बहुत सारे नाविकों को पैसा दिया, स्पॉन्सर किया कि आप समुद्र का रास्ता ढूंढें, क्योंकि तो तब तक ये समझ में आ गया था कि पृथ्वी गोल है, तो आप अगर पृथ्वी गोल है तो अगर हम इंडिया, हमें जाना है तो हम इंडिया ऐसे भी जा सकते हैं या हम इंडिया ऐसे भी जा सकते हैं, क्योंकि अर्थ इज राउंड, अब ये समझ में आ गया था।
कि पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल है मतलब अगर हम उल्टा चले तो भी हम इंडिया पहुंचेंगे। अब देखिए उस समय का उनका कितना एडवेंचर, कितना रिस्क रहा होगा उनकी इस सोच पे कि हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेन के राजा और जो पुर्तगाल के राजा थे, पुर्तगाल के, उन्होंने बहुत सारे नाविकों को स्पॉन्सर किया कि आप ये समुद्र का रास्ता ढूंढे। तो उसमें से दो जो हैं जिनका नाम बहुत ज्यादा है, एक है क्रिस्टोफर कोलंबस और दूसरा है वास्को डी गामा। ठीक है, तो अब ये दो नाविकों का बहुत नाम आता है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो इटली के थे लेकिन स्पेन के लिए काम करते थे। उन्होंने इंडिया का रास्ता ढूंढने की कोशिश की। उनका ये मानना था कि हम अटलांटिक ओशन क्रॉस करेंगे और हम इधर पहुंच जाएंगे। ठीक है, उनको ये लग रहा था कि हम ऐसे चलेंगे और इधर पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनको ये आइडिया ही नहीं था कि ये भी कोई कॉन्टिनेंट है। किसी को भी नहीं पता था कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका नाम का भी कोई चीज है। हालांकि वहां पे लोग रह रहे हैं पहले से ही, दसियों हजार साल से लोग रह रहे हैं, लेकिन कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। ठीक है, इनके बीच में, यहाँ के जो मूल निवासी हैं और यहाँ के जो लोग हैं, इनके बीच में दसियों हजारों सालों का गैप है, तो हमें पता नहीं है कि वहां पर क्या है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस साहब जो है वो चलना शुरू करते हैं और वो हेती पहुंचते हैं 1492 में, और उनको लगता है कि उन्होंने इंडिया खोज लिया। ठीक है, उनको लगता है कि ये इंडिया है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि इंडिया नहीं है, ये तो एक नया कोई कॉन्टिनेंट है। तो इसीलिए क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो बहुत माने जाते हैं। वो तीन चार बार वो गए, उन्होंने अटलांटिक ओशन तीन चार बार क्रॉस किया और उन्होंने कैरेबियन आइलैंड्स, सारे ये जो आइलैंड्स हैं वो खोजे। फिर बाद में उसके बाद और भी बहुत सारे लोग गए और उन्होंने पूरा ये खोजा सारा। ठीक है, तो ये थे क्रिस्टोफर कोलंबस। अब ये पता चल गया कि ये इंडिया नहीं है, तो अब इसको उन्होंने बोला वेस्ट इंडीज। अब वेस्ट इंडीज, इंडीज मतलब इंडिया, तो ये वेस्ट इंडिया है। ठीक है, क्योंकि वेस्ट में है ना। अब उनको ये समझ में आ गया था कि ये इंडिया नहीं है, तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस थे। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो हेती में पहुंचे थे पहले। अब दूसरे जो थे वास्को डी गामा, उनको समझ में आया 5-6 साल बाद 1498 में, वो पुर्तगाल के थे, उन्होंने इंडिया की तलाश में उन्होंने ये रास्ता लिया और ये क्रॉस करके वो केरल पहुंचे और उन्होंने इंडिया का एक नया समुद्री रास्ता खोज लिया, वास्को डी गामा। ठीक है, तो वो केरल गए, गोवा गए। ठीक है, तो अब ये जो रास्ता है वो क्या है, ये अफ्रीका को सरकम नेविगेट करता है, यानी कि अफ्रीका के चारों तरफ से होकर जाता है। तो ये 1498 में वास्को डी गामा ने ये रास्ता ढूंढा था और यहां से भारत में कॉलोनियलिज्म की शुरुआत हुई। सबसे पहले पुर्तगाल आए, पुर्तगीज आए, यानी कि पुर्तगाली, उन्होंने गोवा पे कब्जा किया और वहां से भारत में कॉलोनियलिज्म की शुरुआत हुई। ठीक है, फिर पुर्तगीज आए, फिर स्पैनिश आए। ठीक है, फिर यहां पर नेदरलैंड है, डच लोग रहते हैं, फिर उसके बाद इंडिया में डच आए, फिर फ्रेंच आए और लास्ट में इंग्लैंड आए। लेकिन बाद में इंग्लैंड ने क्या किया, इन सबको हरा दिया, फ्रेंच लोगों को हराया, स्पैनिश लोगों को हराया, पुर्तगीज को हराया और पूरे इंडिया पर कब्जा कर लिया। तो आप देखेंगे कि ये जो कॉलोनियलिज्म की शुरुआत है वो 1492 1498 यहां से शुरू होती है। और ये दो व्यक्ति हैं जो जिम्मेदार माने जाते हैं एशिया पर जो कॉलोनियलिज्म है, वो वास्को डी गामा के आने के बाद हुआ। और यहाँ का जो कॉलोनियलिज्म है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का, वो क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद हुआ। ठीक है, ये समझ में आया आपको, ये दो जो कॉलोनियलिज्म की शुरुआत है। अब यहाँ पर जो कॉलोनियलिज्म था वो थोड़ा डिफरेंट था इंडिया से। अब इंडिया अगर आप देखें तो ऑलरेडी इंडिया एक हाईली पॉपुलस कंट्री था, ऑलरेडी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, सेटल्ड कल्टीवेशन था, सेटल्ड कल्चर था, अलग अलग प्रकार के राजा थे, तो ये अलग थे। लेकिन यहाँ पर जब वो गए यूरोपियंस, तो उनको एक बहुत बड़ा लैंड एरिया मिला जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है,
ठीक है, इंडिजिनस लोग हैं, मूल निवासी हैं वहां के, लेकिन बहुत कम संख्या में, लेकिन लैंड बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये जो लैंड है, खासतौर पे ये जो हिस्सा है, जो ट्रॉपिकल एरिया है, जो इक्वेटर के आसपास ये जो एरिया है, ये ऐसा एरिया है जो नेचुरल रिसोर्सेस से भरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, माइंस हैं, बहुत 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 ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस हैं। और यहाँ पर वो उनको ये लगता है कि हम कॉटन, सुगर, इनका प्लांटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ऑलरेडी आप देखेंगे कि यूरोप में चेंजेस हो रहे थे, यूरोप को ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत थी, तो अब दो तीन जो मेजर जो रॉ मटेरियल थे वो था कॉटन, सुगर और टोबैको, तंबाकू। अब ये जो टोबैको है, तंबाकू, ये सब यहां से आती है, साउथ अमेरिका से टोबैको शुरू हुआ। आज जो हम तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, टोबैको, वो सब यहां से आया है, ठीक है। बहुत सारी चीजें, आप जो आलू खाते हैं, आलू, पोटैटो, वो भी यहीं से है, ठीक है। आलू, टोबैको, बनाना, ये सब यहीं से आया है, साउथ अमेरिका से। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो स्पैनिश लोग थे और पुर्तगाली लोग थे, तो सबसे पहले यहाँ पर स्पेन और पुर्तगाल आए, पुर्तगाल के लोग। तो आप देखेंगे कि स्पेन ने पूरा कब्जा कर लिया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा स्पेन के अंडर में था। फिर पुर्तगालियों ने ये जो हिस्सा है ब्राजील का, ये पुर्तगालियों के कब्जे में था, बाकी सारा स्पेन के कब्जे में था शुरुआत में, ठीक है। और स्पेन और पुर्तगाल ने क्या किया कि यहाँ पर प्लांटेशन शुरू किए। प्लांटेशन का मतलब होता है बड़े बड़े बागान, यानी कि बड़े बड़े खेत, है ना। तो सुगर प्लांटेशन, कॉटन प्लांटेशन, ठीक है, टोबैको प्लांटेशन, तो ऐसे प्लांटेशन शुरू किए, क्योंकि यहाँ पे लैंड बहुत था और बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो यहाँ पर आना शुरू हुए यूरोप से। तो स्पैनिश, पोर्चुगीज, इंग्लिश, फ्रेंच, आयरिश, ठीक है, बहुत सारे डच, बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर आकर बसना शुरू हो गए, माइग्रेट करने लगे, और उन्होंने अपनी कॉलोनीज बना ली। तो अब बहुत सारे यूरोप के लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर बस गए, ठीक है। अब जब वो बस गए तो उनको बहुत सारा लेबर की जरूरत थी, बहुत सारा लेबर चाहिए उनको, क्योंकि तो लैंड बहुत है ना, सैकड़ों, एक आदमी के पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, तो अब वो अकेला खेती नहीं कर सकता है। तो फिर स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई, है ना, स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई। स्लेव ट्रेड क्या है कि यूरोपियन कंपनीज जो हैं, जो यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो क्या करते थे, वो अपना जहाज लेकर सबसे पहले वेस्ट अफ्रीका जाते थे, और वेस्ट अफ्रीका में बहुत सारे अफ्रीकन लोगों को वो कैप्चर करते थे, ठीक है, उनको पकड़ते थे, और वहां से वो ले जाकर वो यहां पर उन स्लेव्स को ले जाकर बेचते थे अफ्रीकन लोगों को, ठीक है, हर जगह। यहां से वो लेकर गए अफ्रीकन्स को और जाकर वहां पर बेचते थे, और वहां से कॉटन, सुगर, टोबैको लाकर फिर वो यूरोप में आकर बेचते थे। तो ये एक ऐसा ट्रेड था कि यहां से आपने स्लेव उठाया, आपने बहुत सारे अफ्रीकन लोगों को कब्जा किया, उनको कैप्चर किया, और फिर उनको ले जाकर इन सारे जो आइलैंड्स हैं, कैरेबियन आइलैंड्स, या अमेरिका, या मैक्सिको, या ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, यहां पर जाकर बेच दिया। अब यहां पर ऑलरेडी यूरोपियंस लोग रह रहे हैं, जो यूरोपियन, यूरोप के लोग यहां पर सेटल हो गए हैं, उनके पास हजारों एकड़ जमीन है, और वो इन स्लेव से काम कराते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते थे, इसका नाम है ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड, ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। ट्रांस अटलांटिक मतलब अटलांटिक के दोनों साइड, तो ट्रांस का मतलब होता है कि जब कोई, अरे
इधर देखिए है ना, ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। तो ये जो ट्रांस अटलांटिक स्लेव है, ट्रांस का मतलब होता है कोई समुद्र या रिवर के दोनों साइड आर पार, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस। तो अब ये 300-400 साल तक ऐसा चला, ठीक है, और यूरोप को बहुत फायदा हुआ इससे। अब यूरोप का कुछ ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा था, देखिए वो यहां से गए, वहां से अब यहां से स्लेव लिया, स्लेव लेकर इधर बेचा, और यहां से कॉटन सुगर लेकर वो इधर आ गए। यहां पर उन्होंने अपना कॉटन से कपड़े बनाए या सुगर बनाए, जो भी काम किया, जो भी प्रोडक्ट बनाया, और फिर वो पूरी दुनिया में बेच रहे हैं, वो हर जगह जाकर बेच रहे हैं, तो उनको बहुत फायदा हुआ। यूरोप जो है, आज का जो यूरोप है वो इतना जो रिच है, आज इतना डेवलप्ड है यूरोप, उसके पीछे ये जो ट्रेड था, ट्रांस अटलांटिक ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता कि आज का जो यूरोप का जो प्रॉस्पेरिटी है, जो जो आज उनका वेल्थ है, जो इतना पावर है उनके पास, उसका रीजन ये कॉलोनियलिज्म है। अब अंग्रेजों ने तो इंडिया से बहुत लूटा, इंडिया से ही नहीं, ये सारे देश जो हैं ये भी सब कॉलोनाइज थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये भी देश जो हैं वो या तो अंग्रेजों के कब्जे में थे, या फ्रेंच के कब्जे में थे, या स्पेनिश लोगों के कब्जे में थे, ठीक है, या डच लोगों के कब्जे में थे। तो अब ये जो 500 साल का जो लूट है ना, जिसको हम कॉलोनियलिज्म बोलते हैं, उसका आज का जो यूरोप है, उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है, जो संपन्नता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है। ठीक है, समझ में आया? अब ये मैंने आपको बताया कि ये स्लेव ट्रेड हो रहा था। अब हम हेती पे जाते हैं, तो अगर आप हेती को देखें तो ये हिस्पैनियोला है बेसिकली, है ना, हेती तो अभी मॉडर्न है, ये हिस्पैनियोला है। अब ये वो जगह है जहां पर कोलंबस आए थे 1492 में, ठीक है। अब यहां पर जब वो आए तो उन्होंने पूरे आइलैंड को स्पैनिश एम्पायर का हिस्सा बोल दिया कि ये स्पेन का है, ठीक है। और जब उन्होंने ये खोज की, उसके बाद तो यूरोप के सारे देश, जितने भी मेजर पावर्स थे, डच, पोर्चुगीज, फ्रेंच, ठीक है, इटालियन, इंग्लैंड, ये सब जो है इधर भागे कि हमको ये नया कुछ खोज लिया, अब हमें कॉलोनाइज करना है। तो इनके बीच में भी बहुत युद्ध हुए हैं, जैसे कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में तो हर 5 साल बाद युद्ध होता था। तो फ्रेंच और इंग्लैंड और स्पेन और इटली और पोर्चुगल और डच, तो ये छोटे छोटे देश थे, लेकिन इतने पावरफुल हो चुके थे क्योंकि तो ये कॉलोनाइज कर रहे थे, और ये आपस में भी बहुत लड़ते थे, ठीक है, कब्जे के लिए, कि हमें हमारा कब्जा होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो ये पहला 1492 में ये स्पेन के कब्जे में आ गया था, उसके बाद इस पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया, तो अब ये बाद में फ्रेंच कॉलोनी बन गया। अब आपको पता है कि तो ये 1500 से लेकर 1800 तक ये पूरी तरीके से कॉलोनाइज्ड था, है ना, 300 350 साल जो है वो यहाँ पर या तो फ्रेंच या स्पैनिश या मिलकर, कुछ हिस्से पर फ्रेंच, कुछ हिस्से पर स्पैनिश, ऐसा कब्जा रहा। और यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े प्लांटेशंस बनाए, बगान बनाए, है ना, बड़े बड़े खेत, और बहुत सारे ब्लैक्स को लेकर यहाँ पर आए। तो वो जो ब्लैक्स थे वो स्लेव थे, गुलाम थे, और वो यहाँ पर उन्होंने प्लांटेशन किया, प्लांटेशन में वो रह रहे थे। जब फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में, जब फ्रांस में क्रांति हुई, उसका असर हेती पर भी पड़ा, क्योंकि तो तब तक हेती में एक मिक्स्ड पॉपुलेशन आ चुकी थी। अब वहां पे गोरे भी रह रहे हैं, काले भी रह रहे हैं, तो उनके बीच में संबंध भी स्थापित हो गए, रिलेशंस हो गई, मैरिजेस होने लगी, तो एक मिक्स्ड क्लास भी आ गया, जो कि ना तो पूरी तरीके से फ्रेंच था और ना ही पूरी तरीके से अफ्रीकन था, ब्लैक था। तो एक मिक्स्ड क्लास जो है वो उसका जन्म हुआ, और ये जो मिक्स्ड क्लास है इसने अब अधिकार मांगने शुरू किए कि हम भी फ्रेंच हैं, हमारे अंदर भी फ्रेंच ब्लड है, भले ही मेरी मदर या मदर जो है वो अफ्रीकन है, ब्लैक अफ्रीकन, बट मेरा फादर फ्रेंच है। तो
तो ये जो मिक्स्ड क्लास है इसने जो है वो हक मांगना, अपना राइट्स मांगना शुरू किए। और 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी तो उसी समय हेती में भी जो स्लेव्स थे, जो गुलाम थे, जो अफ्रीकन थे और जो मिक्स्ड के रेस के थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। और 1804 में, 1804 में हेती जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, यानी कि एक पहला देश, फर्स्ट कंट्री जिसने अपने कॉलोनियल मास्टर्स को हरा दिया था। जैसे इंडिया ने 1947 में हराया, हम इंडिया जो है हराया नहीं बोलेंगे, बट इंडिया आजाद हुआ 1947 में, ठीक है, उससे 140 साल पहले हेती आजाद हो गया था। हेती पहला ऐसा देश था जहां के ब्लैक जो स्लेव्स थे, जो अफ्रीका से लाए गए थे, उन्होंने रिवोल्ट किया और उन्होंने फ्रांस की सेना को हरा दिया। ये युद्ध करीब 10-12 साल चला था और इस युद्ध में फ्रेंच आर्मी हार गई थी। तो इसलिए हेती जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री माना गया है, क्योंकि हेती पहला ऐसा देश है, ठीक है, जिस जो जहां पर ब्लैक्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो गए थे, ठीक है, पहला ऐसा देश था जिसने स्लेवरी के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ विद्रोह किया और अपने मास्टर्स को हरा दिया, ठीक है। लेकिन हेती को इसकी बहुत तगड़ी सजा मिली, क्योंकि हेती के आसपास जितने हैं, अब आप देखिए हेती बहुत छोटा सा, ये रहा हेती यहाँ पर, ठीक है, अब ये छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये घिरा किससे है? इधर पूरा अंग्रेज लोग हैं, दिस इज कंप्लीटली ब्रिटिश कॉलोनीज थी ये, ठीक है, और अभी अमेरिका, अमेरिका जो है वो वाइट ही है ना, अमेरिका यूएसए जो है वो इट्स अ वाइट यूरोपियन कंट्री। तो भले यूएस जो है, यूएस और कनाडा यूरोप में ना हो, लेकिन दे आर वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज ही बोलेंगे, क्योंकि उनका जो कल्चर है, लैंग्वेज है, उनके जो लोग हैं वो सब वाइट यूरोपियन है। तो आज यूएस की 80% पॉपुलेशन वाइट है। अब ये वाइट कौन है? ये सब यहां से आए हुए लोग हैं। कनाडा में मेजॉरिटी वाइट लोगों की है, वो कनाडा में कौन लोग हैं, कौन वाइट है? वो सब यहां से आए हुए लोग हैं जो आज से 400-500 साल पहले जाकर वहां पे बस गए। अब ये बिकम पावरफुल। अब इधर पूरा स्पेनिश लोग थे, स्पेनिश एम्पायर था। अब इनके बीच में ये छोटा सा देश था जो इंडिपेंडेंट था। तो कोई भी जो व्हाइट कंट्री है या जो कोई भी कॉलोनियल पावर है वो नहीं चाहता था कि ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने, क्योंकि तो अगर ये इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है तो बाकी जो स्लेव्स हैं, जो यहां पर गुलाम काम कर रहे हैं, जो यहां पर गुलाम काम कर रहे हैं, जो यहां पे गुलाम काम कर रहे हैं, वो विद्रोह कर देंगे, उनको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर हेती को बहुत डिस्टेबलाइज किया गया, हेती पर बहुत कई बार युद्ध हुए और हेती को कभी स्ट्रांग नहीं बनने दिया, है ना। तो हेती को सारी दुनिया ने पनिशमेंट दिया, गोरों की दुनिया ने, फॉर बिकमिंग इंडिपेंडेंट। और सबसे मजेदार बात यह है कि अगर आप देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि हेती जो कि एक छोटा सा देश है, 1804 से लेकर 1950 तक, 1950 के आसपास तक फ्रांस को हर साल पैसे देता था। तो हेती जो है वो फ्रांस को पैसे दे रहा है, क्यों? क्योंकि फ्रेंच लोगों ने कहा था कि तुमने हमारा रूल खत्म कर दिया, तो हमारे जो लोग हैं, व्यापारी हैं, उनका नुकसान हुआ है, तो तुम हमें जुर्माना दो। तो अब आप सोचिए कि अगर आप सोचे कि इंडिया पर ब्रिटेन ये बोले कि हमने आपके साथ, आपके यहाँ पे 200 साल रूल किया, आपने हमारा रूल खत्म कर दिया, उससे हमें बहुत नुकसान हुआ है, हमारे जो व्यापारी थे वो सब थे वो बहुत नुकसान हुआ है, तो अब आप हर साल हमें जुर्माना दो, हम आपको आजाद कर देंगे लेकिन आपको रिपरेशन देना होगा, आपको जुर्माना देना होगा। आप सोचिए आपको कैसा लगेगा। हेती के साथ वही हुआ है। हेती चूंकि एक ब्लैक इंडिपेंडेंट कंट्री था, कोई सपोर्ट नहीं था उस समय, तो इंडिपेंडेंट होते हुए भी उसका जो सिचुएशन है वो हमेशा से बहुत खराब रहा है, ठीक है, जो कि आज तक चला आ रहा है, ठीक है। तो हेती इंडिपेंडेंट तो हो गया लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं रहा,
ठीक है, तो अब हेती जो है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला ऐसा हिस्ट्री में कंट्री था जो जो जिसने अपने मास्टर्स को हराया था 1804 में, 1804 में पहला इंडिपेंडेंट कंट्री बना था वो ब्लैक कंट्री, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो अब हेती जो है इसलिए बहुत, लेकिन आज का अगर आप हेती देखेंगे तो इट इज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री, बहुत ही पुअर कंट्री है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आज हेती जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका की चैरिटी पर चलता है, अमेरिका उसको बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो दान में देता है। तो अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है, वो क्यों देता है उसका अपना गेम है, लेकिन अगर आप देखें तो पूरी तरीके से जो है वो जो उनका इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। तो अब ये हेती का आपका एक बैकग्राउंड था। अब हेती बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका कॉलोनियलिज्म के साथ डायरेक्ट लिंक है ना, तो इसलिए आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अब ये हेती, ये अगर आप सिर्फ हेती का मैप देखें, ये वर्ल्ड मैप है, ये कैरेबियन है, यहां पर ये हेती है। अगर आप कैरेबियन कंट्रीज का देखें तो ये हिस्पैनियोला है, एक एक आइलैंड है, इसके दो टुकड़े हैं, एक ये डोमिनिकन रिपब्लिक है और दूसरा हेती है। अब आप सिर्फ हेती का मैप देखें तो ये हेती है, ठीक है। आप देखें ये कि दिस इज डोमिनिकन रिपब्लिक एंड दिस इज हेती, ठीक है, ये हेती की कैपिटल है यहां पर, ठीक है। ये कैरेबियन सी है, ऊपर अटलांटिक ओशन है, एक साइड में ये भी कैरेबियन सी है और ये भी कैरेबियन सी है, ठीक है। इधर ये क्यूबा है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं जो ये इंसिडेंट हुआ था वो। आज काफी समय निकल गया, बट मुझे लगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू द हिस्ट्री ऑफ हेती, ठीक है। तो अब ये जो हेती के प्रेसिडेंट मारे गए हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। हेतियन पुलिस सेज 28 फॉरेन मर्सिनरीज इंक्लूडिंग रिटायर्ड कोलंबियन सोल्जर्स किल्ड द प्रेसिडेंट एट हिज रेजिडेंस इन पोर्ट ओ प्रिंस अर्ली वेनेसडे। अब हेती की जो पुलिस है उसका यह कहना है कि कुछ 28 फॉरेनर्स आए थे मारने के लिए, 28 फॉरेन मर्सिनरीज। अब ये जो वर्ड है मर्सिनरी, मर्सिनरी का मतलब होता है एक ऐसा योद्धा या ऐसा सैनिक जो एक देश के लिए लड़ता है, सिर्फ पैसे के लिए लड़ता है। तो आप अगर मुझे पैसा दोगे तो मेरा ग्रुप, आप जिसको बोलोगे हम मार देंगे जाके, ठीक है। तो पैसों के लिए मारता है ना, पैसों के लिए लड़ता है, तो ऐसे ग्रुप को हम मर्सिनरी बोलते हैं, मर्सिनरी, ठीक है। तो 28 फॉरेन मर्सिनरीज थे जिन्होंने मारा है। तो मर्सिनरीज कौन होते हैं? अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर एनी कंट्री और ग्रुप दैट पेज देम, यानी कि ऐसा सैनिक जो किसी भी देश के लिए लड़ सकता है, किसी भी ग्रुप के लिए लड़ता है जो उसको पैसा देते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई इंडिया का मर्सिनरी है और पाकिस्तान उसको पैसा देता है तो वो पाकिस्तान के लिए लड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को हम मर्सिनरी बोलते हैं जो पैसा लेकर लड़ाई करते हैं दूसरों के लिए। तो 28 फॉरेन मर्सिनरीज जिसमें शामिल है रिटायर्ड कोलंबियन सोल्जर्स। अब एक देश है कोलंबिया साउथ अमेरिका में, अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो 28 जो फॉरेन के मर्सिनरीज आए थे, सैनिक जो किराए के सैनिक है ना, मर्सिनरी का मतलब किराए के सैनिक बोल सकते हैं। तो जो 28 विदेशी किराए के सैनिक आए थे जिनमें एक बहुत बड़ा जनरल भी शामिल था जो कि रिटायर्ड कोलंबिया का जनरल है, उन्होंने प्रेसिडेंट को मारा एट हिज रेजिडेंस, उसके घर पर जाकर, ठीक है। अब कोलंबिया जो है वो आप देख लीजिए, ये कोलंबिया है साउथ अमेरिका, दिस इज कोलंबिया, ठीक है। तो यहां से वो लोग आए और यहां पे मारा, तो दिस इज कोलंबिया। कोलंबिया एक देश है,
साउथ अमेरिका का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। कोलंबिया का अपना अलग इतिहास है। कोलंबिया जाना जाता है अपने ड्रग ट्रेड के लिए, यहाँ पर ड्रग्स का बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, ठीक है। तो कोलंबिया इसके लिए बहुत फेमस है, नारकोटिक्स के लिए बहुत फेमस है। नारकोटिक्स मतलब ड्रग्स, तो कोकीन, हेरोइन है ना, ये जो ड्रग्स हैं ये सब यहाँ पर बहुत पैदा होते हैं। कोका, कोका करके एक पौधा होता है कोका, उससे ये सारे ड्रग्स बनते हैं। और वो यहाँ पर पेरू में होते हैं, इक्वाडोर में होते हैं, वो यहाँ से वो कोकीन बनाते हैं और पूरी दुनिया में कोकीन बांटते हैं, ठीक है, ड्रग्स। और कोकीन जो है वो सबसे हार्ड ड्रग माना जाता है। कोकीन, हेरोइन, ये बहुत ही ऐसे ड्रग्स हैं कि अगर आप इनको लेते हैं तो आप फिर आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है ना। इसका इसका जो नशा है वो बहुत तगड़ा होता है। तो कोलंबिया जो है वो उसके लिए जाना जाता है। तो कोलंबिया से वो जनरल थे जिन्होंने मारा था। मोस्ट ऑफ देम वर अरेस्टेड एंड सम वर किल्ड इन अ गन फाइट बैटल। तो ये जो 28 मर्सनरीज थे इनमें से जो ज्यादातर लोग थे वो मार दिए गए, ठीक है। और 28 मर्सनरीज में से इन्होंने प्रेसिडेंट को तो मार दिया, मोस्ट ऑफ देम वर अरेस्टेड एंड सम वर किल्ड इन अ गन बैटल। तो फिर बाद में हेती की पुलिस के साथ उनकी जब मुठभेड़ होती है, जो गन बैटल होती है, उसमें ये 28 में से कुछ लोग अरेस्ट हो जाते हैं और कुछ लोगों को मार दिया जाता है। मोस्ट ऑफ देम वर अरेस्टेड एंड सम वर किल्ड इन अ गन बैटल। बट की क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन है कि ये लोग क्यों आए थे। अब ये मर्सनरी हैं, यानी कि इनका पर्सनल कोई झगड़ा नहीं है, इनको किसी ने पैसे देकर भेजा है। तो क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन क्या है कि कौन लोग हैं जिन्होंने मरवाया है, कौन लोग हैं जिन्होंने इनको पैसे दिए हैं। तो बट की क्वेश्चन, मास्टर माइंड कौन है। मास्टर माइंड मतलब किसने प्लान किया है, ठीक है। ये तो मारने वाले लोग हैं, इन्होंने तो सिर्फ बंदूक चलाई है, लेकिन किसने ये प्लान किया था, मास्टर माइंड कौन है, उसका मोटिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या था। हेती के प्रेसिडेंट को मारना, किसी भी देश के प्रेसिडेंट को मारना, उसके पीछे कोई बड़ा मोटिव होना चाहिए, है ना। ऐसे आप नहीं मारते हैं क्योंकि तो ये बहुत कठिन काम होता है, आप भी मारे जा सकते हैं। तो अब की क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, की क्वेश्चंस ये हैं कि ये जो घटना हुई है उसका मास्टरमाइंड कौन था, उसका मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था, एंड हाउ अ ग्रुप ऑफ आर्म फॉरेनर्स कुड वॉक इनटू अ प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस, ठीक है। और कैसे ये लोग प्रेसिडेंट के महल में घुस सकते हैं, प्रेसिडेंट का जो रेजिडेंस है उसमें जाना आसान नहीं है, वहां पे आर्मी होगी, पुलिस होगी, सब कुछ होगा उसकी, उनकी सुरक्षा के लिए। तो उनकी सुरक्षा में क्या कमियां थी, या किस वजह से इतनी आसानी से कुछ आर्म्ड फॉरेनर्स, यानी कि कुछ विदेशी लोग जो हथियारबंद थे, वो इतनी आसानी से उनके घर में कैसे घुस गए, ठीक है। तो अब एडिटोरियल बोल रहा है कि ये कुछ मेन क्वेश्चंस हैं कि मास्टरमाइंड कौन है, उसका मोटिव क्या है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था, और कैसे, हाउ अ ग्रुप ऑफ आर्म फॉरेनर्स कुड वॉक इनटू अ प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस। कितनी वॉक इनटू मतलब होता है कि आप कहीं बहुत आराम से घुस सकते हैं। तो आई वॉक्ड इनटू माय किंग्स पैलेस, है ना, कि राजा के महल में मैं घुस गया, वॉक इनटू। तो वॉक इनटू का मतलब है बहुत आराम से जाना। आप किसी भी राजा या किसी भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के घर में आप जा नहीं सकते हैं ऐसे, है ना, कठिन होता है क्योंकि चारों तरफ सिक्योरिटी होती है। तो ये इतनी आसानी से कैसे घुस गए, हाउ अ ग्रुप ऑफ आर्म फॉरनर्स कुड वॉक इन टू अ प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस, शूट हिम डेड एंड एग्जिट। कितनी आराम से उसने उन्हें उनको गोली मारी और वहां से निकल गए। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका अभी भी जवाब नहीं मिला है। दीज आर येट टू बी आंसर्ड। येट टू बी आंसर्ड मतलब अभी भी जवाब बाकी है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे की क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब अभी भी बाकी है, अभी भी हमें पता नहीं चला है कि ये क्यों है। मॉइस वॉज एट द सेंटर ऑफ अ पॉलिटिकल क्राइसिस
दैट हैज शेकन द कंट्री इन रिसेंट मंथ्स. ठीक है, अब ये जो प्रेसिडेंट थे इनके खिलाफ ऑलरेडी हेती में बहुत विरोध हो रहा था. तो ये जो प्रेसिडेंट थे जो मारे गए हैं, ये एक बहुत पॉपुलर प्रेसिडेंट नहीं थे, यानी कि ऐसे प्रेसिडेंट नहीं थे कि जो जनता में बहुत लोकप्रिय हो. जनता जो है वो जो जो हेती की जो पॉपुलेशन है या हेती के जो नागरिक हैं वो ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे थे इनके खिलाफ. तो कई महीनों से इनके खिलाफ देश में आंदोलन चल रहा था. तो मोइस वॉज एट द सेंटर ऑफ अ पॉलिटिकल क्राइसिस. तो मोइस जो है वो ऑलरेडी हेती में जो राजनीतिक संकट है उसका केंद्र बिंदु थे, उसके सेंटर थे. सेंटर थे मतलब उनको लेकर वहां पर ऑलरेडी संकट चल रहा था, जिसने वो संकट जिसने पूरे देश को पिछले कुछ महीने में हिला कर रखा था. अ पॉलिटिकल क्राइसिस दैट हैड शेकन द कंट्री इन रीसेंट मंथ्स. मैंने आपको बताया कि मॉइस जो थे, जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के, वो ऑलरेडी बहुत परेशानियों में घिरे हुए थे. उनके खिलाफ ऑलरेडी बहुत बड़ा एक संकट था, लोग जो हैं वो उनके खिलाफ थे और देश में उनके खिलाफ बहुत प्रदर्शन हो रहे थे, आंदोलन चल रहे थे. और दैट हैड शेकन द कंट्री इन रिसेंट मंथ. हिज अपोनेंट्स क्लेम्ड, उनके जो विरोधी थे, जो दूसरी पार्टी के थे, है ना, अपोनेंट्स यानी कि विरोधी, उनके जो विरोधी थे उनका यह मानना था कि उनका 5 साल का कार्यकाल इस फरवरी में खत्म हो गया था, तो अब उनको इस्तीफा देना चाहिए. तो अब मॉयस पुट टुक ओवर ऑफिस इन फरवरी 2017, मंथ्स आफ्टर हिज डिस्प्यूटेड इलेक्शन इन 2016, क्लेम दैट हिज टर्म वुड बी ओवर ओनली इन फरवरी 2022. अब ऑलरेडी एक वहां पर संकट चल रहा था. संकट क्या था मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हेती में जो प्रेसिडेंशियल चुनाव हुए थे वो 2016 में हुए थे, लेकिन ये जो प्रेसिडेंशियल चुनाव थे ये डिस्प्यूटेड थे, विवाद था. ठीक है, तो जो अपोनेंट पार्टी के लोग थे उनका ये मानना है कि जो मॉइस हैं इन्होंने फ्रॉड किया है, इन्होंने इलेक्शन जो है वो गलत ढंग से जीता है. ठीक है, तो जो 2016 का इलेक्शन हुआ था वो इलेक्शन डिस्प्यूटेड था, यानी कि विवादित था, और जिसकी वजह से ये 2016 में प्रेसिडेंट का पद नहीं ले पाए थे. इन्होंने प्रेसिडेंट का पद फरवरी 2017 में संभाला था. ठीक है, तो इशू क्या था, इशू ये था कि इलेक्शन 2016 में हुआ जिसमें ये जीत गए, लेकिन ये प्रेसिडेंट बने फरवरी 2017 में क्योंकि वहां के लोग इनको प्रेसिडेंट मानने के लिए तैयार नहीं थे. उनका ये कहना था कि आपने फ्रॉड किया है, आपने फ्रॉड करके ये जीत हासिल की है. तो अब 2017 में ये प्रेसिडेंट बन गए, इनका जो ऑफिशियल कार्यकाल है वो 2021 में खत्म होना था, क्योंकि 2016 से 2021 यानी कि 5 साल. लेकिन इनका कहना था कि हम 2021 में नहीं छोड़ेंगे, हम 2022 में छोड़ेंगे, क्योंकि हमने 1 साल बाद ज्वाइन किया है, तो हम 5 साल यहां से काउंट नहीं कर रहे हैं, हम 5 साल यहां से नहीं काउंट करेंगे. अगर यहां से काउंट करेंगे तो 2021 में मेरा कार्यकाल खत्म होता है, हम काउंट करेंगे यहां से, क्योंकि हमने जो प्रेसिडेंट पद संभाला था वो फरवरी में संभाला था, तो अब हम छोड़ेंगे 2022 में. ठीक है, तो जो अपोनेंट है, तो उनके जो विरोधी है वो क्या दावा कर रहे थे कि उनका 5 ईयर टर्म इट हैज कम टू एन एंड ऑन फरवरी 7, कि इस फरवरी 7 को उनका ये 5 साल का टर्म कंप्लीट हो जाता है, इसलिए आपको इस्तीफा कर देना चाहिए और नए चुनाव कराने चाहिए. ठीक है, तो हिज अपोनेंट्स डिमांडेड हिज रेजिग्नेशन. रेजिग्नेशन मतलब इस्तीफा. तो उनके जो विरोधी थे वो इस्तीफा मांग रहे थे कि आपका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया. मॉइस जो है वो क्या बोल रहे थे कि He took over office in February 2017. अब ये जो phrase है took over office, इसका मतलब क्या होता है कि उन्होंने president का कार्यकाल संभाला या president का पद संभाला. तो he took over office यानी कि वो president का पद उन्होंने संभाला था फरवरी 2017 में, कई महीने बाद, months after his disputed election in 2016. हालांकि वो जीत गए थे 2016 में ही, लेकिन उनको कई महीनों बाद
मौका मिला था अपना पद संभालने का। तो अब वो दावा कर रहे थे कि उनका टर्म जो है इट वुड बी ओवर ओनली इन फेब्रुवरी 2022, तो अगले साल ओवर होगा, इस साल नहीं। क्योंकि उनका ये कहना था कि मैंने एक साल बाद कार्यकाल संभाला था, तो अब मैं एक साल बाद ही रिजाइन करूंगा, यानी कि मैं मेरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करूंगा। अपोनेंट्स बोल रहे थे कि नहीं, 2016 में इलेक्शन हुआ था, तो अगला इलेक्शन 2021 में होना चाहिए। तो ये एक उनका झगड़ा चल रहा था। When the opposition formed a parallel government, Moise alleged a coup and cracked down on them. अब क्योंकि वो इलेक्शन नहीं करा रहे थे, तो अपोजिशन ने क्या किया, अपोजिशन ने एक विरोधी सरकार बना दी, खुद की सरकार बना दी, पैरेलल गवर्नमेंट। तो पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब, अब जैसे कि मान लीजिए इंडिया में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, और मान लेते हैं कि जब चुनाव होना है बीजेपी अब चुनाव नहीं कराता है किसी भी वजह से, तो कांग्रेस बोलती है कि भाई आप चुनाव नहीं करा रहे तो हम अब खुद की गवर्नमेंट बना रहे हैं, और कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट की घोषणा कर देती है कि राहुल गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये हमारे विदेश मंत्री हैं, और अब हम पैरेलल गवर्नमेंट है। पैरेलल मतलब समानांतर, तो बीजेपी की गवर्नमेंट है और कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और दोनों लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि वो असली गवर्नमेंट है। दोनों लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम असली गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर सरकार। तो जब मोइज साहब जो है वो इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, तो जो अपोजिशन थी, अपोजिशन पार्टी के लोग जो हैं, वो क्या करते हैं, दे फॉर्म्ड अ पैरेलल गवर्नमेंट। अब मॉइस जो है क्या बोलते हैं कि अब आप ये कू कर रहे हैं। अब ये जो वर्ड है कू, कू का मतलब होता है गवर्नमेंट को गिरा देना, तख्ता पलट करना। अब कोई गवर्नमेंट से, मोदी गवर्नमेंट है हमारी गवर्नमेंट बनी, अब कुछ लोग जो है वो जाकर कब्जा कर लेते हैं दिल्ली पर और गवर्नमेंट को गिरा देते हैं, नई गवर्नमेंट बनाते हैं ताकत के दम पर, पावर यूज करके या हिंसा यूज करके। तो उसको हम बोलते हैं कू, कू बोलते हैं, है ना। ये जो पी है वो साइलेंट है, तो हम इसको कू बोलते हैं। तो अब ये वॉइस ने बोला कि ये कू है, आप हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसका तख्ता पलट कर रहे हैं, और इसलिए उसने कार्रवाई की उनके खिलाफ। उनके खिलाफ पुलिस भेज दिया, आर्मी भेज दी, उनको गिरफ्तार कर लिया, बहुत सारे लोगों को मार दिया, ठीक है। तो मॉइस जो है उन्होंने ये आरोप लगाया अपने विपक्षियों पर कि आप हमारा तख्ता पलटना चाहते हैं, ठीक है, और ये गैर कानूनी है। एंड ही क्रैक डाउन ऑन देम, क्रैक डाउन का मतलब है कार्रवाई करना, आर्मी या पुलिस का इस्तेमाल करना, तो क्रैक डाउन ऑन देम। तो मॉइस ने क्या किया, अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, उनको जेल में डालना शुरू किया, उनको मारना शुरू किया, ठीक है। मॉइस केम टू पावर प्रॉमिसिंग टू स्ट्रेंथन हेतीज इंस्टीट्यूशंस, फिक्स इट्स इकोनॉमी, फाइट करप्शन एंड स्टेबिलाइज गवर्नेंस। अब मैंने आपको बताया था कि जो हेती है वो दुनिया का पहला इंडिपेंडेंट कंट्री बना था, ठीक है, जो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ा था, लेकिन हेती कभी भी पावरफुल कंट्री नहीं बन पाया। हेती बहुत ही पुअर रहा, बहुत ही वहाँ का जो जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कभी भी स्टेबल नहीं हुआ, कभी भी अच्छा नहीं रहा, और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो जब ये प्रेसिडेंट बने थे मॉइस, ही केम टू पावर, जब वो पावर आए थे तो उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने वादा किया था कि हम हेती की सिचुएशन को सुधारेंगे, हम हेती की जो इंस्टीट्यूशन हैं, यानी कि जो हेती में ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि पार्लियामेंट है ना, ये एक इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी ये एक इंस्टीट्यूशन है, इसको हम स्ट्रेंथन करेंगे, इसको हम मजबूत करेंगे। तो हम हेती के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको मजबूत करेंगे, हम हेती की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको फिक्स करेंगे, तो सही करेंगे, हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, और हम जो गवर्नेंस है उसको स्टेबिलाइज करेंगे। स्टेबिलाइज मतलब स्थिर। तो जो जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ की इतनी खराब है कि अगर कोई टूरिस्ट जाता है बाहर से तो उसको सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं हेती के जहाँ पर आप जा ही नहीं सकते, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है, ठीक है। तो हम स्टेबिलाइज करेंगे, हम जो वहाँ का जो शासन है उसको स्थिर बनाएंगे,
हम लॉ एंड ऑर्डर लेकर आएंगे, कानूनी व्यवस्था लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने वादा किया था, बट ही हिमसेल्फ फेस सीरियस करप्शन एलिगेशंस। लेकिन जब वो पावर में आए तो उनके खिलाफ ही करप्शन के बहुत सारे चार्जेस लग गए। उनके बारे में बोला जाता है कि वो भी करप्ट थे, तो वो करप्शन से लड़ने आए थे, करप्शन से लड़ने के नाम पर उन्होंने पावर क्लेम किया था, और बाद में पता चला कि ही हिमसेल्फ फेस्ड सीरियस करप्शन एलिगेशंस। एलिगेशंस मतलब आरोप। तो उन पर ही बहुत ही गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। हिज गवर्नमेंट कुड नॉट होल्ड द 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस एंड द इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड अंडर हिज वॉच। ठीक है, अब 2019 का जो उनकी संसद का चुनाव था वो भी वो नहीं करा पाए। उनकी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो 2019 में होना था, ठीक है, वो भी वो होल्ड नहीं कर पाए, यानी कि वो नहीं करा पाए। हिज गवर्नमेंट कुड नॉट होल्ड द 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शन, और जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर गई, और ज्यादा कम हो गई। तो जो अर्थव्यवस्था है वो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर गई, सिकुड़ गई, ठीक है, यानी कि देश और ज्यादा गरीब हो गया, ठीक है। अंडर हिज वॉच, अंडर हिज वॉच का मतलब है उनके अंडर में, उनके नेतृत्व में या उनकी लीडरशिप में। तो उन्होंने जब वो पावर में आए थे, जब उनको पावर मिली थी, जब वो प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे। लेकिन उनके प्रेसिडेंटशिप में, यानी कि उनके राष्ट्रपति होने के दौरान, एक्चुअली हेती की सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई, और उसके बाद पिछले साल कोविड-19 ने और ज्यादा सिचुएशन को वर्स बना दिया। द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 मेड मैटर्स वर्स। ठीक है, आउटब्रेक का मतलब होता है किसी बीमारी का फैलना। तो किसी बीमारी का बहुत तेजी से फैलना, उसको हम आउटब्रेक बोलते हैं। तो आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 मेड मैटर्स वर्स। तो सिचुएशन जो है वो और ज्यादा खराब हो गई। नाउ हेती स्टेयर्स इनटू एन अनसर्टेन फ्यूचर। अब हेती का जो भविष्य है वो अनिश्चित है, ठीक है। हेती स्टेयर्स इनटू एन अनसर्टेन फ्यूचर। तो हम अनसर्टेन फ्यूचर कब बोलते हैं? अनसर्टेन फ्यूचर बोलते हैं जब स्थितियां इतनी खराब हैं कि हमें पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। तो हेती का जो फ्यूचर है वो बहुत परेशान करने वाला है। स्टेयर्स इनटू मतलब देख रहा है, तो हेती देख रहा है, स्टेयर कर रहा है यानी कि देखना। तो हेती स्टेयर कर रहा है अपना अनसर्टेन फ्यूचर, यानी कि उसको पता नहीं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को टेक चार्ज। तो अब चूंकि प्रेसिडेंट मार दिए गए हैं, वहां के प्रेसिडेंट जब मर गए तो उनके बाद उनकी जगह कौन लेगा जब तक नया चुनाव नहीं होता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो लीडर है, प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को टेक चार्ज। तो प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मतलब जो वहां का चीफ जस्टिस है। जैसे इंडिया में अगर प्रेसिडेंट की बाय चांस डेथ हो जाती है, तो जब तक नया इलेक्शन नहीं होता है तब तक वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा। अगर बाय चांस वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो फिर हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, वो संभालेगा। तो ऐसे नियम बनाए जाते हैं कि बाय चांस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो फिर कौन संभालेगा जब तक नया चुनाव नहीं होता है। तो इंडिया में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा। अब बाय चांस मान लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहे, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो संभालेंगे। तो वहां पर क्या है, वहां पे इसको बंद कर, हाँ, वहां पे क्या है, हेती में, हेती का जो संविधान है वो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड टेक चार्ज। अब प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मतलब वहां का जो चीफ जस्टिस है, उसको चार्ज मिलना चाहिए अब। बट द सुप्रीम कोर्ट चीफ डाइड ऑफ कोविड-19 लास्ट मंथ। ये ट्रेजेडी ये है कि वहां का जो चीफ जस्टिस है उसकी भी डेथ हो गई है कोविड-19 से, ठीक है। देर इज नो लेजिस्लेचर, और पार्लियामेंट भी नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट्री चुनाव ही नहीं हुए हैं। तो अब वहां पर बहुत बड़ा संकट है। राष्ट्रपति की मौत हो चुकी है, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति की जो जगह लेने वाले थे चीफ जस्टिस, उनकी मौत हो चुकी है और वहां पर संसद भी काम नहीं कर रही है क्योंकि संसद का जो चुनाव ही नहीं हुआ है। ठीक है, देर इज नो लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब है पार्लियामेंट। तो देर इज नो लेजिस्लेचर एज द 2019 इलेक्शंस हैव बीन पोस्टपोन्ड। 2019 का चुनाव पोस्टपोन हो गया। तो अभी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं क्लॉड जोसेफ, उन्होंने संभाला है चार्ज इंटरिम। इंटरिम का मतलब है टेम्परेरी, कुछ समय के लिए। तो उस अभी उन्होंने एक नया प्राइम मिनिस्टर बनाया है, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, थोड़े समय के लिए उन्होंने, ही हैज टेकन चार्ज। बट मॉइस हैड फायर्ड हिम टू डेज बिफोर हिज डेथ एंड नॉमिनेटेड एरियल हेनरी अ न्यूरोसर्जन फॉर द पोस्ट। अब ये बड़ी मजेदार बात यह है कि ये जो अभी जिन्होंने चार्ज संभाला है, ठीक है, क्लॉड जोसेफ जिन्होंने चार्ज संभाला है, इनको दो दिन पहले मॉइस ने निकाल दिया था। तो मेरे को तो शक है यही इन्होंने मरवाया होगा। फिर अगर ये फिल्म होती तो फिल्म में शक का कांटा सबसे पहले इन पे ही जाता, क्योंकि तो इनको दो दिन पहले मॉइस ने निकाल दिया था। ठीक है, तो अब ये प्रेसिडेंट बन गए इंटरिम। इंटरिम बने मतलब कुछ टेम्परेरी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि क्लॉड जोसेफ जो अब मॉरिस की जगह ले रहे हैं, ठीक है, उनको दो दिन पहले ही फायर कर दिया था। फायर करना मतलब निकाल देना, फायर्ड हिम। ठीक है, बट मॉइस हैड फायर्ड हिम टू डेज बिफोर हिज डेथ, और उसकी जगह उन्होंने दूसरा एक प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया था एंड नॉमिनेटेड एरियल हेनरी अ न्यूरोसर्जन फॉर द पोस्ट। ठीक है, तो अब वहां पर प्राइम मिनिस्टर के पद को लेकर भी झगड़ा है, क्योंकि तो प्राइम मिनिस्टर जो था पहले उसको निकाल दिया गया था, उसकी जगह मॉइस ने दूसरा प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया था। मिस्टर जोसेफ इज नाउ कंसोलिडेटिंग द गवर्नमेंट बट मिस्टर हेनरी हैज आस्क्ड हिम टू स्टेप डाउन। अब ये दोनों की लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है, जोसेफ की और हेनरी की, एरियल हेनरी की। तो अब जोसेफ जो है वो लगातार अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि अपने आप को मजबूत कर रहा है, क्योंकि वो अभी पद पर है। तो ही इज नाउ कंसोलिडेटिंग द गवर्नमेंट। कंसोलिडेट करना मतलब मजबूत करना, अपने आप को स्ट्रांग करना। लेकिन जो हेनरी है, जो नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो अब बोल रहे हैं कि इस्तीफा दो आप, ठीक है। बट मिस्टर हेनरी हैज आस्क्ड हिम टू स्टेप डाउन, सिग्नलिंग दैट अनदर पॉलिटिकल क्राइसिस इज टेकिंग शेप। और ये हमें सिग्नल है, ये किस चीज का सिग्नल है? कि अब एक नया पॉलिटिकल संकट शुरू होने वाला है, ठीक है। इट इज अ सिग्नल दैट अनदर पॉलिटिकल क्राइसिस इज टेकिंग शेप। कोई चीज शेप ले रही है मतलब शुरू हो रही है, वो आपके सामने आ रही है, इट इज टेकिंग शेप। तो वो अपना एक शरीर बना रही है, यानी कि आपको अब वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट का तो था ही, पार्लियामेंट का भी प्रॉब्लम था, सुप्रीम कोर्ट के जज भी मर गए। अब एक और संकट ये है कि ये दो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब एक ये नया पॉलिटिकल संकट जो है वो सामने आ रहा है, किसके दौरान? इन मिड्स ऑफ द सिक्योरिटी वरीज। सबसे बड़ी चिंता क्या है? सिक्योरिटी की, क्या आपका प्रेसिडेंट जो है वो घर के अंदर मार दिया गया है। अब ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि हेती की सबसे बड़ी चिंता इस समय क्या होनी चाहिए? सुरक्षा, कि बाहर के लोग आकर, फॉरेन के लोग आकर, 28 लोग आकर आपके प्रेसिडेंट के घर में घुसकर उसको मार रहा है। तो सबसे बड़ा इस समय संकट क्या है? सिक्योरिटी, ठीक है। उस दौरान अब ये एक नया संकट शुरू हो गया। तो अब एडिटोरियल बोल रहा है, दिस इज नॉट द टाइम फॉर अनदर पावर स्ट्रगल। अब ये समय नहीं है पावर स्ट्रगल का। पावर स्ट्रगल मतलब सत्ता के लिए संघर्ष। तो अब ये जो सत्ता का संघर्ष है वो किसके बीच में हो रहा है? मिस्टर जोसेफ और मिस्टर हेनरी के बीच, प्राइम मिनिस्टर के पद को लेकर। तो ये समय नहीं है कि आप एक नया झगड़ा शुरू करें, अभी ये समय है देश को बचाने का, ठीक है। तो ये एडिटोरियल यहीं पे आज खत्म होता है, और कोवैक्स अलायंस फिर से आज रह गया क्योंकि 11:30 हो गया, लेकिन मुझे जाना है। लेकिन हर्ष मैं बताऊंगा।
मैं रोज उससे प्रॉमिस करता हूँ कि, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है मुझे, कई सारी चीजें हैं उसमें। एक गावी करके एक ग्रुप है, GAVI, तो वो सब पूरा बताना, ठीक है? मैं कल कल शुरुआत ही उसी से करता हूँ, ठीक है? प्रॉमिस, ठीक है? सॉरी, मैं 2-3 दिन से टाल रहा हूँ, ठीक है? कोवैक्स अलायंस इंपॉर्टेंट है। चलिए, किसी को कुछ पूछना है? मेरे पास 2 मिनट है। हाँ, प्लीज आप याद दिलाते रहिए, एक ना एक दिन मैं बता दूंगा, मेरे को याद नहीं रहता है। आपको हेती का पूरा सिचुएशन समझ में आया? अभी कुछ इसमें स्लाइड्स रह गई हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, है ना? वो आप पढ़ लीजिएगा। आपको मैंने बैकग्राउंड पूरा समझा दिया है ना? ट्रांस अटलांटिक स्लेव, हेती क्यों इंपॉर्टेंट है, हेती का जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, वो सब मैंने आपको बताया, ठीक है? अब आप वर्ल्ड मैप में देखिएगा, खुद भी देखिए, है ना? ये जो टर्म्स हैं, कोलोनियलिज्म, ठीक है, ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डे गामा, तो ये सारे जो जो मैंने हमने आज बताया, इनके बारे में थोड़ा पढ़िए, है ना? तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आना शुरू होगी, ठीक है? सर, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है तुम्हारा या मेरे को लेके क्वेश्चन है कि मैं कौन हूं? सर और क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो मैं नेपाली हूं। नेपाल अकेला ऐसा देश है साउथ एशिया का जो कभी गुलाम नहीं बना। अब वो पता है, इंडिया गुलाम था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, सब था, बट नेपाल जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री रहा है हमेशा, नेपाल और थाईलैंड। हाँ सर, से ना क्या लिखते हो तुम, पूरा क्वेश्चन लिखो ना भाऊ। ऐसा इंडिया में हो जाए तो कंडीशन क्या होगी? इंडिया पावरफुल कंट्री है, इंडिया में नहीं होगा? इंडिया में इंस्टीट्यूशंस अभी भी मजबूत है, आर्मी, पुलिस, जुडिशरी, एटलीस्ट फंक्शनल है। इंडिया का इकोनॉमी स्टेबल है, ठीक है? हम गरीब देश हैं, लेकिन फिर भी हमारा लॉ एंड ऑर्डर है ना? बाकी के देशों से अगर आप तुलना करें, इंडिया का भी हो सकता है खराब, मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया इंडिया उस रास्ते जा भी रहा है, ठीक है? तो आने वाले समय में क्या इंडिया दूसरा हेती हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है, है ना? क्योंकि तो यहाँ का जो लोकतंत्र है वो थोड़ा मजबूत है। इंडिया में कभी तानाशाही नहीं आई, हेती में आधे समय तो वहां पे तानाशाही थी। वहां का एक जो तानाशाह था, उसका नाम क्या था, उसको पापा डॉक बोलते थे, डुविलियर ऐसा कुछ नाम था, वो तो बहुत ही खतरनाक आदमी था। फिर उसका बेटा भी तानाशाह बना हेती का, पापा डॉक ऐसा कुछ बोलते थे, डुविलियर ऐसा कुछ नाम था उसका। तो वो बाप बेटे थे, उन्होंने तो बहुत ही आतंक मचाया था, ठीक है? तो इंडिया में ऐसा तानाशाही नहीं रहा है। इंडिया में कुछ भी कहिए, हर 5 साल बाद चुनाव होता है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन आगे कैसा रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, इंडिया भी हेती बन सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक बाद में अलग हुए हैं, है ना? एक पर फ्रांस का कब्जा था, एक पर स्पेन का कब्जा था, तो उन लोग हिस्पैनियोला जो ये द्वीप था वो उन्होंने डिवाइड कर लिया था, तो हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक। कंसेंट क्या था बेटा? वो कब्जा करते थे, वो मिलिट्री पावर थे, तो वो अंग्रेजों ने भारत से कभी क्या कंसेंट लिया कि हम तुम पर कब्जा करना चाहते? कंसेप्ट तो नहीं था। सेना का कंसेप्ट कैसे आया, मिलिट्री का कंसेप्ट कैसे आया? बाप रे, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब जब स्टेट का कंसेप्ट आया, अब पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ चुके हैं कि जब प्रॉपर्टी शुरू हुई कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जब भी आती है तो सिक्योरिटी का इशू आता ही आता है ना? ये जमीन मेरी है, ये मकान मेरा है, ये कार मेरी है, ये पैसा मेरा है, तो जब भी आता है, तो जब आप बोलते हो ये मेरा है, तो इसका मतलब है कि आपको खतरा है दूसरों से, तो स्टेट की स्थापना होती है। स्टेट जो है, स्टेट एक पावर पावर का सेंटर है, और उसके पास पुलिस और मिलिट्री की पावर होती है,
वो कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है ना, तो पुलिस पावर से। तो अब स्टेट बनता है तो स्टेट तभी चलेगा जब उसके पास अपनी मिलिट्री होगी या अपना पुलिस होगा, तो स्टेट के साथ साथ फिर मिलिट्री का कंसेप्ट आता है। ठीक है, अब ये बहुत पुराने हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, चलिए समय हो गया बहुत ज्यादा, 8 मिनट ज्यादा हो गए। चलिए।